आज हम बनाएंगे सिंधी रेसिपी रागड़ी और मीठी समोसा। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं परागरी और मीठा समोसा की रेसिपी, जो कि एक सिंधी रेसिपी है और होली के समय पे बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इधर मैंने लिया है 200 ग्राम जितना मावा यानी खोया। तो सबसे पहले हम इसको भून लेते हैं। इधर मैंने कढ़ाई गर्म किया है और उसको घी से ग्रीस कर लिया है और इसमें डालेंगे मावा और इसको अच्छे से भून लेंगे। मावा को कलर चेंज होने तक भूनेंगे अच्छे से। मावा हमारा भून चुका है, देखिए गोल्डन हो चुका है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काजू और बादाम और इलायची। इसको मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम शुगर पाउडर मिक्स करेंगे। इधर मैंने लिया है 2 कप जितना मैदा और इसमें डालूंगी 2 से 3 बड़े चम्मच घी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी मैंने घी को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदे में, देखिए कुछ इस तरह की बाइंडिंग हो रही है। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक कड़क सा डो बना लेंगे। अभी मैंने मैदे का एक टाइट सा डो बना लिया है और अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अभी मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिए हैं और इसमें डालूंगी 2 बड़ा चम्मच ही मैदा और एक स्लरी बना लेंगे इसका। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी हमारा मावा ठंडा हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं पाउडर शुगर। इसमें मैं डालूंगी 4 चम्मच पाउडर शुगर और इसको मिक्स कर दूंगी। अभी हम कट करेंगे लोइयां। लोइयां थोड़ी बड़ी बड़ी लेंगे क्योंकि बहुत बड़ी चपाती बनानी है हमको, कम से कम इतना। इसको हम बेल लेते हैं। इसकी एक पतली सी और बड़ी चपाती बेल लेंगे। मैंने एक बड़ी चपाती बेल ली है और इसको अभी हम कट कर लेंगे छोटी छोटी पूरी के साइज का। अभी मैंने कट कर लिया है और इसको हम निकाल देंगे। इन पूरियों को हम एक बर्तन में रखते जाएंगे और फिर दूसरा भी हम ऐसे ही बेल लेंगे। अभी मैंने पूरियों को बेला है, ये देखिए, और कट कर लिया है। तो अभी हम लेंगे एक पूरी और उस पर लगाएंगे स्लरी जो मैंने मैदे और घी से बनाया है। इसके ऊपर लगाएंगे एक और पूरी, इसके ऊपर भी लगाएंगे स्लरी। इस तरह हम 7 से 8 पूरियों को लेंगे और उसके ऊपर स्लरी लगाते जाएंगे। इस तरह मैंने अभी 8 पूरियों को लिया है और इसको थोड़ा सा हम ऐसे प्रेस करेंगे और फिर इसको बेल लेंगे। अभी मैंने इनको बेल लिया है, ये देखिए। और अभी लेंगे मावा की स्टफिंग। और इसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे।
इसको फोल्ड करेंगे और जहाँ पे पानी लगाया था हम वहीं प्रेस करेंगे। इसके किनारों को हमको सील नहीं करना है। ये तैयार हो गई एक बरादरी। अभी हम इसी तरह दूसरी भी तैयार कर लेते हैं और अभी बना लेते हैं समोसा। उसके लिए बेलेंगे एक मीडियम साइज की चपाती। इसको हम बीच से कट कर लेंगे और ऐसा फोल्ड करेंगे। ये देखिए, पीछे का भी पोर्शन थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसमें डालेंगे स्टफिंग। पानी लगा देंगे किनारों पे और इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए ऐसा। ऐसे ही हम और समोसे भी बना लेंगे। अभी मैंने प्रागरी और मीठे समोसे तैयार कर लिए हैं, तो इनको अभी चलते हैं फ्राई कर लेते हैं। इधर मैंने तेल गरम कर लिया है और सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं प्रागरी को। इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अभी हमारी प्रागरी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। ये लेयर्स देखिए, इन लेयर्स की वजह से इनको लेयर वाली गुजिया भी बोलते हैं। तो इसको निकाल देते हैं। इसी तरह दूसरी प्रागरी भी हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन। अभी हमारी दूसरी प्रागरी भी फ्राई हो चुकी है, निकाल लेते हैं इसको, गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। अभी हमारे समोसे भी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। इधर मैंने बनाई है एक तार की चाशनी और इसमें हम डालेंगे अच्छे से डुबाएंगे इसमें। और फिर निकाल लेंगे और समोसों को भी चाशनी में डालेंगे। तो तैयार है हमारा सिंधी स्पेशल स्वीट प्रागरी और मीठे समोसे, और उसके साथ में हमारा ये गुजिया जो हर घर में बनता है होली के टाइम पे। और इस पे हम थोड़ा सा लगा देंगे पिस्ता। और लगा देंगे थोड़ा सा वर्क। ये रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होता है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।